उत्तरकाशी में बर्फ का तांडव जारी है। उत्तरकाशी में बर्फ अभी पिघली नहीं है तो चमोली में रह रहकर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फ से हालांकि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं यानी सैलानी, वो जरूर खुश नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड का उत्तरकाशी, आस्था से ओतप्रोत रहने वाला ये नगर बर्फ से ओतप्रोत है। वैसे आपको बताते चले, ये सुधरी हुई स्थिति है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में यहाँ 2-2 फुट बर्फ जमी हुई थी। खैर, घरों के बाहर बर्फ की अब भी मौजूदगी बता रही है कि मौसम मस्ताना तो कतई नहीं है। जीवन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है और पाला यहाँ पे इतनी जल्दी पड़ जाता है कि हाथ पांव सब ठंडे हो जाते हैं। पानी यहाँ पे बहुत सा ठंडा और सुबह नल की दिक्कतें हैं और नल खुलते नहीं हैं और बहुत सारी समस्याएं, ठंड में पानी जम जाता है हमारा। जी, आपको हैरानगी हो सकती है कि जहाँ बर्फ है वहाँ पानी की कमी कैसे, मगर हकीकत ये है कि नल ही नहीं, जल के तमाम स्रोत जमे पड़े हैं। यहाँ एक किसान एक ऐसे ही जल स्रोत से बर्फ हटा रहे हैं। जिंदगी बसर करने की यह जद्दोजहद हर तरफ नजर आती है। दिन तो फिर भी कट जाते हैं क्योंकि देर से ही सही धूप निकल आती है, लेकिन दिन ढलते ही अलाव के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 24 घंटे अपने घरों में कैद रहें, इसलिए आग जलाकर लोग काम चला रहे हैं। ये मोहलत भी सिर्फ चंद दिनों की है। जनवरी के पहले हफ्ते में यहाँ बर्फबारी तेज होगी। चमोली में भी हालात ज्यादा अलग नहीं है। झरने के तेज बहाव के नीचे जमा पानी सारी कहानी कह देता है। पिछले 2-3 दिन से काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। पिछले एक हफ्ते के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में पानी भी जमने लग गया है। सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। मुश्किलें ये आ रही है कि जो रोज़ के काम हैं, इधर उधर जाना है सुबह, उसमें भी दिक्कत होती है क्योंकि पानी अगर कहीं पे गिर रहा है तो पाला पड़ जा रहा है। सड़कों में चलने में दिक्कत हो रही है, रास्तों में दिक्कत है, पाला जो पड़ रहा है उससे भी ज़्यादा खतरे बढ़ रहे हैं। तो ठंड इस बीच काफ़ी बढ़ चुकी है और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। ये सैलानियों का शहर है, बर्फ इसके लिए आमदनी का जरिया भी है, इसलिए कड़ाके की ठंड में भी शहर में चहल पहल दिख रही है। नए साल पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी पहले से ही यहाँ पहुँच चुके हैं। ठंड तो बहुत जबरदस्त है और कह रहे हैं 27 को स्नोफॉल भी होगा, लेकिन अभी तो काफी दिन बाकी है 27 में। लेकिन ठंड जो है, व्यू वगैरह भी बहुत अच्छा है, होटल्स वगैरह भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, और बाकी मजा आ रहा है दोस्तों के साथ, बहुत बढ़िया है एकदम मस्त। उधर बागेश्वर में वादियों की हरियाली देखकर आपको लग सकता है कि यहाँ सब ठीक ठाक है। कुछ हद तक है भी, क्योंकि इस सीजन में अभी तक यहाँ ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन ठंड यहाँ भी हद से ज्यादा है। तापमान इस कदर गिरा हुआ है कि बेशुमार पाला पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौसम में इन पहाड़ों पर आपको रहना है तो आपको जिगर भी पहाड़ जैसा रखना पड़ेगा। चमोली में कमर नैन सिलोई, उत्तरकाशी में ओंकार बहुगुणा के साथ जगदीश पांडे, बागेश्वर आज तक।